हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता लग चुका है कि आपका सीएसआर नेट दिसंबर 23 का रिज़ल्ट आ चुका है और आपकी कट ऑफ भी आ गई है। उसके बाद से आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं जो चल रहे हैं और कई सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे मेल या मैसेज के थ्रू आप पूछ रहे हैं। तो आज मैं उन सभी का आपको आंसर करूँगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट तो आपके मन में ये है कि क्यों इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई आई है, यह कह सकते हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है। तो देखिए, उसका मेन रीज़न आपने देख ही लिया होगा, हर जगह बताया जा रहा है, और नहीं आपको पता तो मैं बता देता हूँ। इस बार जो आपकी सीट्स हैं GRF की वो कम कर दी गई हैं और उसकी वजह ये है कि जो UGC ने फंडिंग दी है वो कम सीट्स की दी है एज़ कम्पेरिजन टू आप प्रीवियस ईयर्स की देखेंगे तो जो आपकी सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई है UGC की तरफ से फंडिंग के केस में अगर हम कहें तो, इसीलिए आपको जो सीट्स है वो कम देखने को मिली है। और ये दोनों में ही हुआ है, आपका नेट में भी और GRF में भी। लेकिन कई बच्चों का ऐसा डाउट आ रहा है कि उन्होंने CSR UGC नेट का पेपर दिया है पर उनका UGC GRF में नाम है, CSR में नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जब आपका पेपर ही दो फंडिंग एजेंसी साथ में लेती हैं, जैसे आप देखते होंगे आपका जो एग्ज़ाम का नाम है वो कम्बाइंड CSR UGC नेट है, तो उस वजह से आप जान लीजिए कि आपके उसमें क्या होता है, कुछ सीटें UGC GRF वालों की होती है और कुछ सीटें CSR GRF की होती है। कहने का मतलब है इसमें फंडिंग एजेंसी दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, इसीलिए कुछ बच्चों का नाम UGC GRF में आता है और कुछ का CSR GRF में आता है। पर इससे कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, GRF क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आपके लिस्ट में नाम है तो आपका ये सब क्वालिफाई है और आपका एग्ज़ाम CSR वाला ही काउंट होगा। पर क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि आपकी GRF की फेलोशिप कितनी है अगर आप HRA के साथ काट करें तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपका जो HRA मिलता है वो सिटीज़ के हिसाब से मिलता है, मतलब इसमें चेंज होता रहता है, 27% 24% इस हिसाब से आपको HRA मिलता है। HRA के साथ आपकी फेलोशिप कहूं तो देखिए, अगर आप 27% वाली सिटी में रह रहे हैं तो उसमें मैं आपको बताऊं जो आपको HRA मिलेगा वो अराउंड 9,990 मिलता है और आपकी जो फेलोशिप मिलती है वो 37,000 मिलती है GRF के लिए। आप ये पूछते हैं कि आपको फाइनल रिजल्ट कब आएगा जिसमें आपके रैंक भी लिखी होगी, तो देखिए उसका आंसर बताने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जो नेट या GRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी कारणवश उनका इस बार नेट या GRF नहीं हो पाया है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप CSR नेट जून 2024 की प्रिपरेशन फिजिक्स वाला के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप टॉप फैकल्टीज से पढ़ेंगे और साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे, जिसमें आप लाइव लेक्चर दे सकते हैं और जो लेक्चर से अपने सहूलियत के हिसाब से भी देख सकते हैं, जिसके दो बैच आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो अभी निकले हैं। 16 जून 2024 बैच जिसका प्राइस अभी 4,499 है और दूसरे बैच 16 प्रो जून 2024 जिसमें आपको पहले वाले बैच से भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको जितने भी बैच 2024 के अब आएंगे नेट के उन सब का एक्सेस मिलता है और साथ में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है और साथ में आपकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और जो अभी इसका प्राइस है वो 6,999 कर दिया गया है और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड PRD500 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, केमिकल साइंस से, फिजिकल साइंस से या मैथमेटिकल साइंस से या लाइफ साइंस से, तो आप फिजिक्स वाला के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आपको पूरी तरह एग्ज़ाम पे तैयार कर सकते हैं। और इस बार का फिजिक्स वाला का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, वो भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी रैंक देखने को मिल जाएगी, चाहे वो GRF में रैंक 7 हो या नेट में आपकी रैंक 16 हो। तो ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रैंक से इस बार फिजिक्स वाला में क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आप 16 जून 2024 एंड 16 प्रो जून 2024 बैच परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में मेरा कूपन कोड भी आपको दिख जाएगा PRD500, इसके वजह से आपको 500 एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। वापस आते हैं कि आप पूछ रहे थे कि कब आपका CSR नेट का रिजल्ट आएगा विद रैंक, तो देखिए ये रिजल्ट आपका विद इन 2-3 डेज या विद इन वीक आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा आपका जो रिजल्ट है या तो संडे या इस वीक के अंदर आ जाएगा, सैटरडे संडे में, और या आपका जो रिज़ल्ट है वो मंडे को ही देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका लगभग रैंक वाला रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। मैंने कई बच्चे पूछते हैं कि उनका सिर्फ इस बार LSE हुआ है या उनका अभी तक LSE हुआ है और गेट क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, तो क्या वो PhD के लिए इस बार अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ज़्यादातर फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे भी वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको गेट प्लस LS का ऑप्शन दिख जाएगा
कि आप फेलोशिप के लिए गेट डाल सकते हैं, और अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो वो भी आपसे पूछेंगे। तो मैं ये कहूँगा आप मतलब जो भी फॉर्म आए उनको एक बार भरिए, तो जब आप भरेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है आप गेट के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, गेट का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए आपका गेट का रिजल्ट 16 मार्च को आएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका जो गेट का रिजल्ट है वो 16 मार्च को आएगा। क्योंकि देखिए अगर आप गेट 2024 की इंपॉर्टेंट डेट्स में जाएंगे तो आपको उनकी वेबसाइट में देखी जाएगा कि आपका रिजल्ट 16 मार्च को आना है। क्वेश्चन है कई बच्चों का TFR मुंबई का रिजल्ट आया है और कई बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, तो उसके बाद से आपकी मेल आ रही है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। तो देखिए उसके लिए मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपको पर्सनल कुछ पूछना है तो आप मेल कर सकते हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको TFR मुंबई में जो प्रिपरेशन, और बाकी अगर मैं आपको बेसिक बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा आपको इंटरव्यू में कोई 2-3 टॉपिक अच्छे से तैयार करने और उनको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, प्लस बेसिक मैथमेटिक्स को भी आप अच्छे से कर लें, जिसमें आप डिफरेंशिएशन और कुछ हाइपरबोला पैराबोला टाइप के ग्राफ्स और थोड़ा सा टिक्नोमेट्री कर लें तो आपको वो, और थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन से सवाल कर लें तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट डाउट है, आप ये पूछते हैं कि आपने नेट की प्रिपरेशन करते हुए आपको बहुत टाइम हो गया है, या आपने एक बार किया है, दो बार किया है, चार बार किया है, और आपका नेट ही हुआ है, LS ही हुआ है, या आपका नेट ही हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्ज़ाम की, या आपको क्या कहते हैं जॉब करनी चाहिए, या कहीं एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए मैं उसके लिए आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीरियसली 2 बार अच्छे से तैयारी कर ली है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कहीं एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद अगर आपका नेट ही हुआ है या नेट नहीं भी हुआ है तो मैं कहूँगा आप डिसाइड करके कहीं या तो एडमिशन ले लीजिए, और साथ में या तो कहीं आपको जॉब करनी है तो या आप जॉब कर लीजिए, और साथ में आप प्रिपरेशन कर लीजिए अगर आपको PhD में जाना है तो, या अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, या फेलोशिप चाहिए तो मतलब आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। मतलब अगर आपने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया है तो आप को जो भी करना है, चाहे जॉब करनी है चाहे आपको एडमिशन लेना है, उसमें आप चले जाइए। और अगर वैसे PhD करनी है तो आप एडमिशन को पहले प्रेफर करिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाता है तो बाद में सिर्फ GRF निकाल के आप फेलोशिप गेन कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा, और मतलब सिर्फ आपको फेलोशिप की टेंशन होगी, फिर एडमिशन की टेंशन नहीं होगी। सेकेंड, अगर आपने 2 या 2-3 बार से ज़्यादा कर ली है तैयारी और अब आप पूछते हैं, तो मैं ये कहूँगा देखिए अगर आपके मार्क्स मतलब लगभग 90-100 के लगभग आ रहे हैं, या आपके मार्क्स 5 से 10 नंबर से छूट रहे हैं, तो तब आप दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर साथ में आपको एक जॉब कर लीजिए या दूसरे चीज़ों को भी साथ में देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आपको मतलब पूरी तरीके से इसमें ड्रॉप करने की ज़रूरत है। और लास्ट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 ही आ पा रहे हैं, और मतलब कट ऑफ आपकी देख ही रहे हैं आप 110 से ऊपर, 15 से ऊपर जा रही है, तो उन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि देखिए आपने अगर बहुत बार प्रिपेयर कर लिया और आप 50 तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो आप को मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा टाइम इस एग्ज़ाम को ना देते हुए जो भी आपको करना है आप उसमें फोकस करिए। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप देख ही रहे जैसे रेगुलरली सीट भी डिक्रीज हो रही हैं और मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और एग्ज़ाम भी की में भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, कभी होता है कभी नहीं होता, रिजल्ट भी काफ़ी लेट आता है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को छोड़ के आप किसी बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी करें, और या आप इस चीज़ को माने कभी कभी कोई चीज़ सबके लिए नहीं होती, और या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा दूसरे फील्ड में कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक मतलब ट्रैप की तरह आप फंसते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप समझिए और इस एग्ज़ाम को आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि SSR नेट निकालना या GRF निकालना एकमात्र रास्ता नहीं है सक्सेस होने के लिए, और बाकी आपको साथ में ये भी पता है कि इस फील्ड में भी लंबा स्ट्रगल है, ऐसा भी नहीं है कि आपका सिर्फ नेट या GRF निकल जाएगा तो उसके बाद आप सेटल हो जाएंगे, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा देखें, और जो भी आपको डिसीजन लेना है एक बार अच्छे से एक हफ्ता लेके या 10 दिन लेके डिसीजन लें, सोच के डिसीजन लें। लास्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है, तो आप ये पूछते हैं कि क्या स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, और या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स होती हैं विदाउट नेट के, और कितनी फेलोशिप आपको मिलती है। तो देखिए मैं इसके लिए मैं कहूँगा ये सब हर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स उसमें होती हैं, और ये जब फॉर्म आते हैं ज़्यादातर तभी क्लियर होता है, तो इसीलिए मैं पहले बिल्कुल आपको नहीं बता सकता कि कितनी सीट्स होती हैं, और ये कोई फिक्स नहीं होता, ये भी चेंज होती रहती है। सेकंड, फेलोशिप की आप बात करते हैं, तो देखिए फेलोशिप भी नॉन नेट की अभी तक तो इंक्रीज़ नहीं हुई है जितना मेरी नॉलेज में है,
तो मैं ये कहूँगा फेलोशिप आपकी 8,000 लगभग मिलती है, और बाकी किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे जहाँ आपको ज़्यादा मिलती है, जैसे BHU में शायद ज़्यादा मिलने लग गई है और वो इंक्रीज़ हुई है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलता है। पर ज़्यादातर हाँ ये देखा गया है कि आपकी जो एवरेज रहती है नॉन नेट की फेलोशिप, वो 8,000 ही रहती है। अब आप ये भी पूछते हैं कि क्या आपको अपने पैसों से वहाँ एडमिशन लेके PhD करनी चाहिए, तो देखिए उसके लिए मैंने आपको और बता दिया है पॉइंट्स की किन किन कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको आइडिया हो जाएगा। आई थिंक आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और यही एक कॉमन डाउट्स है जो मेरे पास आए। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।